हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बहुत बढ़िया। तो मस्त होना भी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मस्त होंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़े से दुखी हो सकते हैं। ये पढ़ना है, वही पढ़ना है ना, तो दुखी मत होइए, पढ़ते रहें। पढ़ते रहोगे तो दिमाग से मस्त रहोगे कि मेरे को सब कुछ आता है। तो चलिए, लिमिट टेस्ट हमारा लेक्चर नंबर 5 था, जिसमें हमने 2 लिमिट टेस्ट कर लिए थे। याद है कौन कौन से? आर्सेनिक और क्लोराइड्स। देख लिया था लेक्चर? नहीं देखा, कोई बात नहीं, इसको देख लो। और आज हम फर्दर 3 और देखेंगे जो हमारे कोर्स में है। सल्फेट्स का लिमिट टेस्ट देखेंगे, आयरन का देखेंगे और हैवी मेटल का देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है डीफार्म फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करें। ओके, चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स, तो सब कुछ पता ही है। लिमिट टेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ इंप्योरिटीज उसके अंदर आ जाती हैं, वगैरह वगैरह, सारी बातें डिस्कस कर रखी हैं हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में। तो सीधा आते हैं, अपने टारगेट पे चलते हैं कि हमको करना क्या क्या होता है लिमिट टेस्ट में, हम लोगों को लिखना क्या क्या है। एग्जाम आएगा तो हम लोग उसमें क्या क्या लिखेंगे। तो सल्फेट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी लिमिट टेस्ट जिसका कर रहे होते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको चेक किस बेस पे करेंगे। एक प्रिंसिपल तैयार करते हैं उसका। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जब हम लोग हमारा जो सल्फेट आयंस होते हैं, दीज आर सल्फेट आयंस, सल्फेट आयंस को जब हम लोग बैरियम क्लोराइड, दिस इज बैरियम क्लोराइड, दिस इज बैरियम क्लोराइड, क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं विद सॉल्यूबल सल्फेट। सॉल्यूबल मतलब हमने जो सल्फेट्स है हमारे उसको पानी में डाल रखा है, ठीक है, अब वो आयंस में टूट चुका है, घुल चुका है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट HCl, मतलब इस डायल्यूट HCl को हम लोग यहां पर रिएक्शन के बीच में रखेंगे, ठीक है। टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस, टर्बिडिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम भी देखा था। टर्बिडिटी क्या होती है? मटमैलापन कह लो या धुंधलापन, ठीक है ना, मटमैलापन कह लो, धुंधलापन है ना, साफ पानी में हल्की सी मिट्टी डाल दो तो उसके अंदर धुंधलापन आ जाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी कहते हैं। टर्बिडिटी आ जाती है और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, जो हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रखा है। वेरी सिंपल, अभी समझ में आने लगा होगा कि होता क्या है, टर्बिडिटी क्यों आती है, क्योंकि यहां पर क्या बनता है, बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या आती है, टर्बिडिटी आती है। ओके, अपनी टेबल आ गई, प्रोसीजर क्या रहेगा, हम लोग टेस्ट सैंपल तैयार करेंगे, क्या लेते हैं हम लोग, टेक स्पेसिफिक वेट। देखो बच्चों, यहां पर जो ये लिखा हुआ है स्पेसिफिक वेट, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इंडियन फार्माकोपियास हैं, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, जनरली हम लोग अपना इंडियन फार्माकोपिया इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कितना वेट लेना है ना, कितना, ये कहां पे प्रिस्क्राइब हो रखा है, इंडियन फार्माकोपिया में, उसके हिसाब से हम लोग अपना सैंपल का वेट तैयार करते हैं और उसका पानी में घोल देते हैं। कई सारी कंडीशंस होती हैं, तो इसलिए यहां पे लिखा जाता है स्पेसिफिक वेट ऑफ सैंपल, लिख सकते हो आगे अकॉर्डिंग IP, ठीक है। क्या करेंगे, ये सारी मैंने पहले बताया था, जो भी एरो वाइज है हम लोग स्टेप वाइज पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और लास्ट में ये करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में, हम लोग 2 ml डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl क्या होता है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 ml मिला देंगे उसके अंदर। देखो डायल्यूट सॉल्यूशन अप टू 45, जब हमने वो ले लिया पानी के अंदर डिजोल्व है उसके अंदर, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसके अंदर 2 ml क्या डाल दिया हम लोगों ने, डायल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब जो मेरे पास नेस्लर सिलेंडर बोल देते हैं उसको, ठीक है, हम सिंपली बात को समझ लेते हैं, बीकर है, इसके अंदर मार्किंग हो रखी होती है, ठीक है, मान लो ये मार्किंग है 50 ml का बीकर है, मेरे पास ये सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, 45 ml तक, जब तक भर नहीं जाता है तब तक पानी डालूंगा। देखो जब भी मैं डायल्यूट करता हूं, अगर डायल्यूट द सोल्यूशन कोई चीज स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि डायल्यूट किससे किया जा रहा है, तो हमेशा डायल्यूट किससे किया जाएगा, डायल्यूट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, वाटर का इस्तेमाल करते हैं ना, डिस्टिल वाटर, कौन सा वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर,
डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा, और हम कब तक भरेंगे उसको, जब तक कि 45 ml मेरा पूरा नहीं हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 5 ml बेरियम सल्फेट है ना डालना क्या हमको, क्या लेंगे हम लोग, 5 ml बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे, और क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे टर्बिडिटी विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे उसकी टर्बिडिटी को विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है अगला, क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड सैंपल। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, टेक 1 ml ऑफ 0.1089 वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या रहेगा, K2SO4, क्या रहेगा ये, K2SO4। ओके, फिर बाकी प्रोसेस यहां से लेकर के यहां तक की प्रोसेस सेम रहने वाली है, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ बच्चों को यह हो रहा होगा कि हम लोगों ने यहां पर क्या लिया हुआ था, बैरियम क्लोराइड लिया हुआ है, और यहां पर कहीं पे बैरियम क्लोराइड का जिक्र नहीं है। तो मैं बता दूं तुम लोगों को, ये जो हमारा बैरियम सल्फेट रिएजेंट होता है ना, ये बैरियम सल्फेट रिएजेंट, ये देखो ये रिएजेंट लिखा हुआ है, इसको बनाया जाता है, जब इसको बनाते हैं तो इसी के अंदर, इस रिएजेंट के अंदर बैरियम क्लोराइड, ठीक है, अल्कोहल और थोड़ा सा पोटेशियम सल्फेट भी होता है, बहुत माइन्यूट सा रहता है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, K2SO4, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो बैरियम सल्फेट रिएजेंट है, इसी रिएजेंट से हमको क्या मिलेगा, बैरियम क्लोराइड मिलने वाला है, इसी रिएजेंट से हमको क्या मिलेगा, बैरियम क्लोराइड मिलने वाला है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि बैरियम सल्फेट, सॉरी बैरियम सल्फेट यहां पर क्या था, मैंने बताया था बैरियम सल्फेट लास्ट में बन रहा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बैरियम सल्फेट हमने पहले डाल दिया, तो बैरियम सल्फेट रिएजेंट डाला है, बनाया था, उसको बनाने में प्रोसेस होती है, तो उसका नाम डाल दिया जाता है बैरियम सल्फेट रिएजेंट। बात समझ में आ गई, 5 मिनट के लिए अलग रखेंगे, टर्बिडिटी क्रिएट होगी, सेम यहां पर टर्बिडिटी क्रिएट होगी, ये जो हमने अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रखा है, इसकी टर्बिडिटी से इसकी टर्बिडिटी को मैच करा देंगे, अगर इसकी टर्बिडिटी इससे कम है तो मेरा यह सोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज ये सोल्यूशन मेरा फेल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, बैरियम सल्फेट रिएजेंट से कंफ्यूज तो नहीं हो गए, चले आगे, ओके, ठीक है। अब आते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर आयरन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल की बात करें तो कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर। जब यहां पर हम लोग टेस्ट करेंगे तो देखो पिछले टेस्ट में क्या बन रहा था, पिछले टेस्ट में टर्बिडिटी क्रिएट हो रही थी, टर्बिडिटी क्रिएट हो रही थी, और टर्बिडिटी को हम लोग मैच करा रहे थे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी, टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी। यहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, पर्पल कलर, ठीक है। व्हेन आयरन रिएक्ट विद थायोग्लाइकोलिक एसिड, क्या होता है ये थायोग्लाइकोलिक एसिड, क्या है थायोग्लाइकोलिक एसिड, ये दिख रहा है, दिस इज थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड इसी को कहते हैं हम लोग, बात समझ में आ गई, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ओके। इसको हम बफर करते हैं, बफर क्यों किया जाता है, विद अमोनियम सिट्रेट, हमें एक खास पीएच की रेंज में ही इसको रखना होता है, अदरवाइज ये टेस्ट मेरे पास नहीं आएगा, तो हम बफर का इस्तेमाल करते हैं। द कलर प्रोड्यूस, जो कलर बनेगा कंपेयर किया जाएगा विद द स्टैंडर्ड कलर कंटेनिंग नोन अमाउंट ऑफ आयरन, ठीक है। एक स्टैंडर्ड कलर जो हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे उससे हम सिंपली इसको क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। प्रोसेस समझ लो जरा, देखो यहां जहां जहां डॉट डॉट बने हुए हैं, ठीक है, वहां पे एक्चुअली क्या है, बॉन्डिंग है, ये जहां डॉट डॉट बने हुए हैं वहां एक्चुअली में क्या है, बॉन्डिंग है, बात समझ में आ गई, जहां डॉट है वहां एक्चुअली क्या है, बॉन्ड बनाना हम लोगों को। दिस इज थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, थायो, थायो पता है ना, अगर OH, OH के नीचे सल्फर आता है, अल्कोहल होता है, थायोल होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप पढ़ रखे होंगे तुम लोगों ने, तुम लोगों को पता होगा एक अल्कोहल होता है और एक थायोल, ठीक है ना। SH को हम लोग क्या बोलते हैं, जो OH होता है वो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप होता है, और जो SH होता है वो हमारा क्या होता है, थायोल होता है, क्लियर है। देखो फर्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है, फर्स्ट स्टेप में मेरे पास Fe3+ है, ये कैसा है, 3+, यानी कि ये मेरे पास
फेरिक फॉर्म में है, ये फिर 2 प्लस में बदलता है, यानी कि क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये रिड्यूस होता है, फेरस बन जाता है। क्या बन गया, ये फेरस Fe2+ में रिड्यूस होकर आ गया ये। ओके, अगेन सॉल्यूशन में मेरे पास थायोग्लाइकोलिक एसिड पड़ा हुआ है, ये जो फेरस फॉर्म है, ये जो फेरस फॉर्म है इस थायोग्लाइकोलिक एसिड से मिलती है और कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरस मरकैप्टो एसिटेट, फेरस मरकैप्टो एसिटेट, या फिर फेरस थायोग्लाइकोलेट, या फिर क्या कहते हैं इसको हम लोग, फेरस थायोग्लाइकोलेट कहते हैं। बात क्लियर हो गई, समझ में आया? ओके, तो चलते हैं, देखते हैं, स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार को तुमको अगर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या मिलाने से क्या बन रहा है। देखो फिर बता रहा हूं, स्ट्रक्चर अगर स्टार्टिंग में याद नहीं हो रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में केवल नाम याद करो कि फेरिक आयन कंबाइंड विद थायोग्लाइकोलिक एसिड, विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड इनिशियली रिड्यूसेस फेरिक आयन इंटू फेरस आयन, देन दिस फेरस आयन रिएक्ट विद थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड फॉर्म फेरस थायोग्लाइकोलेट विच इज पर्पल इन कलर, जो कि कैसा होता है, पर्पल इन कलर होता है। क्लियर है? तो चलते हैं अपनी प्रोसीजर की तरफ, सेम चीज, टेस्ट सोल्यूशन ले लेते हैं हम लोग। यहां पर पहले टेस्ट सोल्यूशन ले लिया है, टेक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन डिस्टिल वाटर, जो सैंपल प्रिस्क्राइब होगा हमारे पास मोनोग्राफ में, फार्माकोपिया में, वो सैंपल हम लोग डिस्टिल वाटर में डाल लेंगे उतना अमाउंट, उसको फिर डायल्यूट करेंगे, समझ गए होगा डायल्यूट करना होगा, डायल्यूट करने का मतलब क्या होता है, डिस्टिल वाटर डालेंगे कहां तक, जब तक पूरा सोल्यूशन 40 ml का नहीं हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम, याद है मैंने क्या बताया था, W by V का मतलब क्या है, W by V का मतलब जैसे हम बोल रहा है 20% W by V, यानी कि 100 ml का एक मैं पानी ले लूंगा, इस 100 ml में क्या डालूंगा, 20 ग्राम जो मैं बता रहा हूं, ये क्या, सिट्रिक एसिड, 20 ग्राम क्या डाल दूंगा, सिट्रिक एसिड डालूंगा। इस सिट्रिक एसिड का कंफर्म करना जरूरी है कि इसके अंदर आयरन नहीं होने चाहिए, अगर आयरन यहां होगा तो मेरा ये वाला आयरन क्या करेगा, इसमें जो इसका टेस्ट होगा उसके ऊपर अफेक्ट डालेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको डालने के बाद एड 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, फिर हम डालेंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड। क्लियर है? फिर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ऐड अमोनिया टू मेक सोल्यूशन अल्कोहलिक, अमोनिया पता है ना बेसिक होता है, अमोनिया इज अ बेसिक इन नेचर। ठीक है, अमोनिया एक बेसिक है जो सोल्यूशन को क्या बनाएगा, अल्कलीन बनाएगा। देन डायल्यूट कर देंगे कहां तक, फिर उसमें अभी 40 ml तक तो हो चुका था, ये सब चीजें डाली है इसके अंदर, 2 ml ये डाला, कुछ ये डाल दिया है, कुछ वॉल्यूम बड़ा होगा, हम उसको पूरा पॉइंट डाल के 50 ml तक कर देंगे, 5 मिनट के लिए सोल्यूशन को छोड़ देंगे और फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। यहां पे जो कलर आ जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, आयरन को लेकर के स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन बना लेंगे, और फिर वही बात, यहां से लेके ये प्रोसेस और यहां से लेके ये प्रोसेस मेरी सेम है। ठीक है, पूरी प्रोसेस को अपनाएंगे, इसका कलर और इसका कलर दोनों मैच करेंगे, अगर इसका कलर क्या है, कम है इससे तो ये पास हो जाएगा, अगर इसका कलर ज्यादा है तो ये फेल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इफ द कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, ये लिखना जरूर है, ठीक है ना, इफ द कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन द सैंपल इज क्वालिफाइड अदरवाइज इट इज फेल्ड, ये बातें जरूर लिखनी है इसके अंदर, ये बातें अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे और कुछ नहीं है। वैसे अंडरस्टूड है, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखो लिखना ऐसे है, तुम लोग एक चीज बता दूं मैं, कि एग्जाम में ऐसे लिखो कि किसी बच्चे को समझा रहे हो, ये मत सोचो कि टीचर तो जानता है समझ लेगा, अरे टीचर जानता है वो समझ लेगा अलग बात है, तुमको ऐसे एक्सप्लेन करना कि तुम किसी बच्चे को समझा रहे हो, उससे क्या होगा तुम ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे, तुम सोचोगे अच्छा इसको नहीं आता तो मैं इसको ऐसे भी समझाऊं और ऐसे भी समझाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा ये सोच के लिखना है कि तुम किसी बच्चे को समझा रहे हो तो तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छा निकल के आएगा, उसको तुम बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, लिख पाओगे, उसमें तुम्हें ज्यादा नंबर ही मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो ये था मेरे पास आयरन की बातें, सल्फेट हो गया, आयरन हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। अब अगर हैवी मेटल्स की बात करें तो यहां पे कुछ बातें हैं थोड़ी सी, उनको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक इंप्योरिटी, ऑब्वियस ही बात है मेटल्स हैवी मेटल्स की बात कर रहे हैं तो इंप्योरिटी कैसी होंगी, मेटेलिक इंप्योरिटी, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ
मेटलिक इंप्योरिटी जो मेटल्स हैं एज ए इंप्योरिटी वो किससे रिएक्ट करने वाली हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड से। किससे रिएक्ट करेंगी? हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S से रिएक्ट करने वाली हैं, या सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट करेंगी, Na2S से रिएक्ट करेंगी। मीडियम क्या रहेगा? मीडियम हमारा एसिडिक रहेगा टू फॉर्म कलर सॉल्यूशन। अल्टीमेटली सॉल्यूशन कैसा बनेगा मेरा? कलर सॉल्यूशन बनेगा। उस कलर सॉल्यूशन एक टेस्ट सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों को कंपेयर करवा देंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा कि मेरे पास जो सैंपल मैंने बनाया है वो सही है या नहीं है। सही का मतलब उसके अंदर इंप्योरिटी लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर है। मेटल विच रिस्पॉन्स टू दिस टेस्ट, कौन कौन से मेटल इस टेस्ट को रिस्पॉन्स करते हैं? एक लीड, मरकरी, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, कैडमियम, सिल्वर, मॉलिब्डेनम। काफी सारे मेटल्स हैं जो इस टेस्ट को क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। बात करें द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल इज इंडिकेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ। इसका जो लिमिट टेस्ट है हैवी मेटल्स का वो मोनोग्राफ में किसके किसके रेस्पेक्ट में? इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, पार्ट पर मिलियन ऑफ लीड। हम लोग जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं वो लीड का ही बनाएंगे, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे वो लीड का ही बनाएंगे। उसके उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन से हम बाकी का जो भी हमारा टेस्ट सोल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर कराने वाले हैं। साफ साफ बोल रहा है कि मोनोग्राफ इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ लीड, लीड के पार्ट पर मिलियन, क्या कहना क्या चाहता है? पार्ट ऑफ द लीड पर मिलियन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस बीइंग एग्जामिन्ड, ठीक है ना? पर मिलियन, बात समझ में आती है ना? मैंने समझाया था जैसे हम लोग 100% निकालते हैं, यानी कि हम किसी चीज को 100 में नाप रहे हैं, 100 ml में कितना है, मिलियन में हम लोग कितने में नापते हैं? हम नापेंगे 10 लाख। किस में नापते हैं? 10 लाख। 10 लाख ml में वो इंप्योरिटी कितनी है, ठीक है ना? 2 ppm अगर मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 ppm यानी कि ये मेरी इंप्योरिटी है, ये 2 ग्राम है 10 लाख ग्राम में, तो 2 ppm इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। 2 ppm यानी कि 2 ग्राम है कितने में? 10 लाख ग्राम में कितनी है? 2 ग्राम है। बहुत कम है ये, 10 लाख ग्राम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इतना सा भी होने में कई बार क्या होती है, दिक्कतें होती हैं। ये मैं समझा रहा हूं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि ppm से क्या मतलब तुम लोगों को समझना है। बात क्लियर हो गई? देन क्या कह रहा है? द इंडियन फार्माकोपिया हैड एडॉप्टेड 3 मेथड्स, ठीक है ना? कौन से 3 मेथड अपनाए हैं? उसके नाम दे दिए उसने, ए, बी और सी, फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल्स को उसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है वो अभी तुम लोग समझ जाओगे जब हम लोग इसको भी ए बी सी को अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यानी कि हम लोग हैवी मेटल्स की लिमिट टेस्ट को 3 तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कंडीशन है किसको ए से करेंगे, किसको बी से करेंगे, देखते हैं अभी। बात क्लियर हो गई? ओके, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल वेरी सिंपल है। हम लोग क्या देखना चाहते हैं यहां पर? रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S, ठीक है ना? लीड हैवी मेटल हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड समझते हो ना? यानी कि अब उससे ज्यादा उसके अंदर कोई चीज, कोई मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं उसके अंदर सैचुरेशन आ गया, उससे ज्यादा वो चीज उसके अंदर घुलेगी नहीं, लिमिट आ गई उसकी, ठीक है? और मीडियम कैसा रहेगा यहां पर? एसिडिक रहेगा। और रेडिश अब्लिक ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस। अगेन यहां पर हम लोग किस रेस्पेक्ट में कंपेयर करने वाले हैं? कलर के रेस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कलर और टेस्ट सैंपल का कलर, विच इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, ठीक है? लीड नाइट्रेट का हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं और इंप्योरिटी वाले सैंपल को हम लोग उससे क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। रिएक्शन कुछ ऐसी रहती है, H2S के साथ ये रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? लीड सल्फाइड बनाएगी, जिससे कि हमको क्या मिलेगा? कलर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो देखो 3 मेथड जैसे मैंने जिक्र किया था, तो यहां पे हम मेथड नंबर 1 की बात कर लेते हैं। मेथड 1 किसके लिए है? मेथड 1 किस टाइप के लिए है? मेथड 1 उनके लिए सुटेबल है जो सब्सटेंस, फॉर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस क्लियर सॉल्यूशन, मतलब कि मेरे पास जो कलर सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा है? एकदम क्लियर कट है। अंडर द प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट सॉल्यूशन, जो टेस्ट सॉल्यूशन हमारा प्रिस्क्राइब है किस तरह से टेस्ट किया जाएगा,
उसके तहत अगर मेरा सोल्यूशन क्लियर आ रहा है, कलर वाइज क्लियर आ रहा है, कोई और फालतू कलर उसमें अगर नहीं है, क्या है, कलर वाइज क्लियर आ रहा है, कोई और फालतू कलर उसमें नहीं है जिससे कि मैं इजीली उसे जज कर सकता हूं, तब तो हम इसको अपनाएंगे, अदरवाइज तरीका हमारा बदल जाएगा। तो चलो फिलहाल देखते हैं जो इनको अपनाते हैं, अगर मेरा सोल्यूशन क्लियर आ रहा है तो उस केस में देखो क्या रहेगा। टेक 2 ml ऑफ, ये स्टैंड सोल्यूशन आ रहे हैं, ये एलईडी ये लीड है, क्या है ये, टेक 2 ml ऑफ लीड सोल्यूशन। लीड सोल्यूशन हम लोग किससे बनाते हैं, लीड नाइट्रेट से, बताया था मैंने अभी, ठीक है ना। इस टेकन उसको डायल्यूट करेंगे 25 ml तक, उसका पीएच 3 से 4 एडजस्ट करेंगे बाय यूजिंग एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड के इस्तेमाल से या अमोनिया के इस्तेमाल से उसका सोल्यूशन पीएच जो है हम लोग 3-4 लेकर आएंगे, फिर उसको अगेन डायल्यूट कर देंगे 35 ml तक, फिर उसको डायल्यूट कर देंगे अप टू 35 ml तक, फिर 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे अब, 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन, फिर डायल्यूट कर देंगे 50 ml तक, छोड़ देंगे सोल्यूशन को 5 मिनट के लिए, सोल्यूशन को 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर द कलर, हम लोग कंपेयर कराएंगे क्या इसके कलर को इसके कलर से, सिंपल, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लेंगे हम लोग, 25 ml ऑफ सैंपल सोल्यूशन, सैंपल सोल्यूशन का 25 ml लिया जाएगा, बाद बाकी इतनी प्रोसेस और इतनी प्रोसेस दोनों में क्या है, सेम है। यहां पे जो कलर आ जाएगा कंपेयर द कलर, इसके कलर को इसके कलर से, जो कि मेरा स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, इससे मैं क्या कराऊंगा, कंपेयर कलर करा लूंगा। कंपेयर कराने पे अगर ये कलर कम है तो अच्छी बात है, अगर टेस्ट सोल्यूशन का कलर ज्यादा है इसके मतलब इसके अंदर इंप्योरिटी ज्यादा है। सिंपल सीक्वेंस याद रखोगे, इसी सीक्वेंस में हमें चीजों को ऐड करना है, क्लियर है। चले आ गए, मेथड 1 हो गया, फिर यहां पे एक लाइन लिख दोगे, इफ सोल्यूशन टेस्ट सैंपल हैज कलर इंटेंसिटी लोअर देन द कलर इंटेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन द टेस्ट सैंपल माई सैंपल इज पास्ड अदरवाइज इट इज फेल। ओके, अच्छा ये लास्ट वाला पार्ट उसका कट के आ गया मेरे ख्याल से, ये यहां पर ये लाइन होनी चाहिए थी जो यहां आगे आ गई है। हम लोग यहां पे करते क्या है, कलर को एक व्हाइट बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट रखते हैं, सफेद दीवार या पर्दा रहेगी, उसके अगेंस्ट में सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो अच्छे से क्लैरिटी समझ में हमको आ जाती है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं मेथड बी, मेथड बी क्या कह रहा है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द सब्सटेंस नॉट प्रोड्यूसिंग क्लियर एंड कलरलेस सोल्यूशन। वो या तो कलरलेस सोल्यूशन नहीं बना पा रहे हैं या क्लियर सोल्यूशन नहीं बनता, उनके अंदर कुछ तरह की और चीजें आती हैं, कुछ और वजह रहती हैं जिनकी वजह से मेरा जो टेस्ट सैंपल है वो क्लियर सोल्यूशन नहीं बना पा रहा है। तो उसको क्लियर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें उसको कुछ और स्टेप से गुजारना पड़ता है, कुछ और प्रोसेस भी फॉलो करनी पड़ती है, फिर जाकर के क्लियर सोल्यूशन आता है और फिर हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो थोड़ा सा ये मेथड लेंथी हो जाता है, देखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो सेम, ठीक है ना, सेम रहेगा, सेम एज मेथड ए, जैसे मेथड ए में बनाया था हम लोग इसको बना डालेंगे। ओके, टेस्ट सोल्यूशन की बात करें तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, द सैंपल टू बी, ये ए नहीं है, ई होना चाहिए, है ना, टेस्टेड, टेस्ट करना है हमको, इज वेटेड, वेट मतलब है गीला करना, हल्का हल्का ना गीला करते हैं, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, हम लोग किससे उसको गीला कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके उसको वेट कर लेते हैं, फिर इस सैंपल को हम लोग बर्न कर रहे हैं, बर्न द सैंपल एट लो टेम्परेचर, धीमी आंच पर हम लोग इसके धीरे धीरे जला रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, जब वो जल जाता है ऑलमोस्ट, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऐड करते हैं 2 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 5 drops ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड एंड 5 drops ऑफ H2SO4, ये उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा तुम लोगों को, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना, ठीक है, 2 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 5 drops ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया मैंने यहां पर, ऐड करेंगे,
उसके बाद हीट द मिक्सचर टिल फ्यूम्स स्टॉप इवॉल्विंग. फ्यूम्स मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम लोग गैस निकलती है उसके अंदर से, उसको तब तक हीट करेंगे जब तक उसके अंदर से फ्यूम्स निकलना, गैस निकलना बंद नहीं हो जाती है. जैसे ही गैस निकलना बंद हुई, इग्नाइट, इग्नाइट मतलब भी क्या होता है, जलाना. इग्नाइट मतलब भी क्या है, जलाना. इन मफल फर्नास, एक फर्नास भट्टी का नाम है मफल फर्नास, एट 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, जलाते हैं. अनटिल द कार्बन इज कंप्लीटली बर्न, उसके अंदर जितना भी कार्बन कंपाउंड होगा, आग मिलेगी और ऑक्सीजन से मिलकर के पूरा पूरा कार्बन CO2 बन के उड़ जाएगा. ठीक है, बर्नट ऑफ. अब सारा कार्बन उड़ चुका उसके अंदर से, ऑक्सीजन के साथ मिला, यहां से आग मिली उसे, सारा सारा कार्बन CO2 बन के उड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड. पता है ना भाई, कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाए और साथ में हम लोग हीट कर दें तो ये क्या बन जाता है, CO2 बन के गैस बन के उड़ जाएगा, है ना, CO2 बन के गैस बन के उड़ जाएगा. फिर क्या करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम लोग 4 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर देंगे. 4 ml क्या डालेंगे, HCl डालेंगे. इस मिक्सचर को कवर कर देंगे एंड डाइजेस्ट. डाइजेस्ट मतलब एक तरह से क्या करना, डाइजेस्ट मतलब जैसे हमारी पाचन क्रिया होती है उस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट होने के छोड़ देंगे. 15 मिनट ऑन अ वाटर बाथ, यानी कि हम इसको थोड़ा सा, जो वाटर बाथ का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं, मैं शायद पहले भी बता चुका हूं. मैं एक बीकर रहेगा, इसके अंदर पानी रहता है, पानी के अंदर हम लोग कटोरा ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर हम लोग अपना सैंपल रखते हैं, यानी कि हम लोग जो मेरा सैंपल है उसको डायरेक्ट हीट नहीं करूंगा, डायरेक्ट हीट नहीं करूंगा, हीट करूंगा इस बॉइलिंग वाटर. जो वाटर ये बॉइल हो रहा है या वाटर जो मेरा गर्म हो रखा है, इस वाटर की गर्मी से इसको मैं गर्म करूंगा, दैट इज कॉल्ड वाटर बाथ. क्लियर होगी बातें, ठीक है, ओके. यहां पे इसकी लास्ट लाइन में वही सारी बात थी कि हम लोग उसको देखेंगे व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट में, ठीक है. नाउ अनकवर द मिक्सचर, वाटर बाथ अभी हो ही रहा है, वाटर बाथ अभी चल ही रहा है, उसको हम लोग धीरे से खोल देंगे ढक्कन को, ठीक है ना. फिर से समझा दूं, वाटर बाथ जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो लोग समझ लें. देखो होता क्या है, एक इस तरह से मेरे पास क्या रहेगा, भगवाना बर्तन रहेगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पानी मेरा गर्म हो जाएगा. मैं क्या लूंगा फिर उसके बाद, क्या कहते हैं, मेरे पास एक बर्तन रहता है, ठीक है, इस बर्तन को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और इस बर्तन के अंदर मैं क्या रखूँगा, अपना सैंपल रखूँगा, इस बर्तन के अंदर मैं अपना सैंपल रखूँगा, ये रहा मेरा सैंपल. अब क्या है, इस सैंपल को जो गर्मी है इस पानी की मिलने वाली है, गर्मी किसकी मिलेगी, इस पानी की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर बाथ कहते हैं. दिस इज व्हाट, अच्छा वाटर बाथ लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं. तो अब हमने क्या किया, अच्छा इसको मैंने एक काम और कर रखा था, अब वो काम क्या कर रखा था, मैंने इसको ढका भी हुआ था, मैंने इसको क्या कर रखा, ढक रखा था. अब मैंने क्या कर दिया, नाउ अनकवर द मिक्सचर, अब मैंने इसका ढक्कन हटा दिया. एंड एवोपरेट टू ड्राइनेस, उसको एवोपरेट मतलब उसके पानी को उड़ने दूंगा जब तक कि वो ड्राइनेस सूख नहीं जाता है, ऑन वाटर बाथ. वाटर बाथ पे रखे रखे मैंने इसका ढक्कन हटा दिया और तब तक इसे हीट करता रहूंगा जब तक कि पूरा सूख नहीं जाता है. जब ये सूख जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा उसमें मैं कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ड्रॉप डालूंगा. उसमें क्या डालूंगा, मैं कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ड्रॉप डालूंगा टू मॉइस्चराइज द रेसिड्यू. रेसिड्यू मतलब क्या होता है पता है ना, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ. रेसिड्यू मतलब हिंदी की राइटिंग पर ध्यान मत देना, थोड़ी गंदी है मेरी, ठीक है. रेसिड्यू मतलब जो बचा हुआ है. तो यहां पर पानी उड़ने के बाद जो चीज बची रह गई है उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, HCl के कुछ ड्रॉप डाल दे रहे हैं. एड 10 ml ऑफ हॉट वाटर, उसके बाद हम लोग 10 ml गर्म पानी डाल देंगे. फिर सोल्यूशन को क्या कर देंगे, अल्कलीन कर देंगे बाय एडिंग अमोनिया सोल्यूशन. फिर देखो ये मैंने थोड़ा सा रंग इसका बदल दिया है. रंग क्यों बदल दिया है, ये पूरा उठा करके मतलब यहां तक तो तुम्हें नया लर्न करना है. ये पूरी प्रोसेस मेरी यही रहेगी जो ये वाली है. डायल्यूट 25 ml एडजस्ट करेंगे, डायल्यूट 35 ml, है ना, ये पूरा यहां से मेरा ये रिपीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट मेरा. ये बात समझ में आ गई. और लास्ट में फाइनली जो कलर आ जाएगा उस कलर को मैं ऐसा व्हाइट बैकग्राउंड होगा उसमें ऐसे चेक करूंगा, एक तरफ टेस्ट सोल्यूशन एक तरफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और दोनों के कलर को मैं क्या कर लूंगा, चेक कर लूंगा. बात समझ में आ रही है, क्लियर है.
तो थोड़ा सा लेंदी है, इसको थोड़ा सा दो तीन बार लर्न करना पड़ेगा किस स्टेप के बाद क्या है, ठीक है। ओके, मेथड सी देख लेते हैं, सिंपल है ये। मेथड सी में क्या है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग क्लियर और कलरलेस सॉल्यूशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कोई कलर सॉल्यूशन क्लियर दे देता है तो हम लोग इसको अपना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन, लीड रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये NH के साथ भी एक क्लियर सॉल्यूशन देता है मेरे को, डायल्यूट कर देंगे 50 ml तक। 5 ड्रॉप ऑफ सोडियम सल्फाइड को ऐड करेंगे, 5 ml क्या ऐड कर देंगे, सॉरी 5 ड्रॉप ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड Na2S, ठीक है। और ये इसका एक पेज पीछे आ गया है, कीप असाइड फॉर 5 मिनट, इसको हम लोग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, कीप असाइड फॉर 5 मिनट। सेम यहां पर सैंपल ले लेंगे जैसा कि प्रिस्क्राइब कर रखा होगा हमारे मोनोग्राफ में या इंडियन फार्माकोपिया में, सारी प्रोसेस सेम रखेंगे, कीप असाइड फॉर 5 मिनट। उसके बाद कुछ नहीं करना, कलर को कंपेयर कर लेना है हमें, ठीक है ना। तो सिंपल था 3 मेथड, बी वाला थोड़ा सा लेंदी था जो कि तुमको याद तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम देना कि नहीं देना है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर टू कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इसके बाद, चैप्टर 1 ही तो खत्म हुआ है भाई अभी, है ना। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, या इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, सारी बातें किसकी होने वाली है, टाइट्रेशन की। तो थोड़ा बहुत टाइट्रेशन को पढ़ के रखें, ठीक है, टाइट्रेशन को थोड़ा बहुत पढ़ के रखें, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इसके बारे में हो रहा है, तो चैप्टर 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम लोगों ने पूरी कवर कर ली है, सारी चीजें उसकी सिलेबस वाइज हमने एक एक हेडिंग उठा करके सब कुछ को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो अब इसमें समझने के साथ साथ लर्न करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा है, मैं कोशिश बच्चों तुम लोग यही करना कि जो चीज पढ़ो उसको एक बार लिख करके जरूर देखो, ठीक है। काफी सारे बच्चे PDF के लिए बोल रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर का PDF इसके साथ दे दूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको अगर कोशिश मेरी रहेगी। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये अभी का ही नहीं शुरू से कहा जाता है, जो बच्चा लिख के प्रैक्टिस करता है उसके नंबर अच्छे आते हैं। तो अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो देखते देखते समझते जाओ, अपना खुद से लिखते जाओ, तुम्हारी हैंडराइटिंग में होगा वो तुमको ज्यादा बेनिफिट करेगा, बजाय इसके कि तुम मेरे नोट्स, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे तुम कॉपी करके रख सकते हो, लेकिन जो तुम अपनी हैंडराइटिंग में करते चलोगे, समझते हुए लिखते चलोगे, वो तुमको ज्यादा बेनिफिट करेगा। लेक्चर देखने का भी तरीका होता है, देखो तुम लोगों को बता दूं मैं, ऐसा नहीं है कि बस लेक्चर देखा और हो गया। शुरुआत में सबसे पहले लेक्चर को एक बार सुना जाता है, उसको समझा जाता है, जो जो उसमें चीजें होती है, डाउटफुल चीजें रहती है कि अच्छा हाँ इसमें ये। और कई बार ऐसा होता है बच्चा पढ़ते पढ़ते कहता है कि ये चीज शायद कुछ और मैं अपनी लैंग्वेज में इजीली लिख सकता हूं, तो वहां पॉज करके उसको लैंग्वेज को अपनी बना करके भी वो लिख सकता है, ठीक है। तो PDF वाली प्रॉब्लम मैं कोशिश करूंगा इस वाले लेक्चर से खत्म कर दूं, और प्रीवियस जो लेक्चर डाले हैं उनके PDF डालने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, ठीक है ना, रिवाइज करोगे तो ही ये सारी चीजें तुम्हारी क्या हो पाएंगी, कवर हो पाएंगी। पेपर जब आएगा तो ये सब तुम्हारा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हॉचपॉच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करो, ताकि एक एक चीज क्लियर कट दिमाग में सेट हो जाए। ओके, पढ़ाई करोगे, गुड, ऑल द बेस्ट।